कानपुर से अगली खबर है, जहां परमठ स्थित आनंदेश्वर धाम मंदिर कानपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सावन के सोमवार में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने यहां पहुंचते हैं। परमठ महंत अरुण भारती ने बताया कि श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए मंदिर समिति द्वारा सभी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं और साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। गंगा जी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए गंगा तट पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए पानी, शरबत के साथ खाने पीने का भी प्रबंध किया जा रहा है। किसी प्रकार की धक्का मुक्की न हो, इसके लिए महिलाओं पुरुषों की अलग अलग लाइनें लगाई जाएंगी, जिसको समिति के सदस्य व्यवस्थित रखेंगे। मैं 6 वर्षों से मंदिर आ रहा हूँ, बाबा का आराम सेवा करता हूँ, सेवा को बाबा बुलाते हैं मैं चला आता हूँ, बड़ा आनंद आता है बाबा को। सावन बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब सेवक लगे हैं, सब भाई लोग अपने सब लगे हैं बाबा की सेवा के लिए, और बहुत भीड़ आती है उसमें, बड़ा आनंद आता है, कोई समस्या नहीं होती है। लाइन से दर्शन होते हैं और सबको दर्शन होते हैं, कोई अव्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि प्रशासन भी साथ देता है और जनता को भी मालूम है कि हमें दर्शन करना है, तो बड़े क्रमबद्ध तरीके से आते हैं, कोई अव्यवस्था नहीं होती है। हाँ, पूरा सहयोग करती है और दर्शनार्थियों को कोई अभी तक ऐसी कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। मंदिर करीब 5-6 साल हो गए, यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है और हम सोचते हैं कि अगर भक्त लोग यहाँ आते हैं तो पूरी मुरादें उनकी पूरी होती हैं और बड़ा शांति का सहयोग मिलता है यहाँ पर बैठ कर दर्शन करने में, कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सावन का पावन माह जो है वो आने को है और कानपुर का जो आनंदेश्वर धाम परमठ है वो प्रसिद्ध मंदिरों में कानपुर माना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के परमठ के महान जी, किस तरीके की व्यवस्थाएं सावन में रहेंगी कानपुर में इस मंदिर में? श्री बाबा आनंदेश्वर धाम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में जो हर वर्ष होती है परंपरागत श्रावण मास की जो भी तैयारियाँ होती है, मंदिर प्रशासन जिला प्रशासन पूरी तरीके से करेगा और लाखों से लाखों भक्तों को हम लोग दर्शन कराने की सुरक्षित रूप से बहुत ही अच्छे से कार्य करेंगे और भक्तों से निवेदन करेंगे कि सब लोग दर्शन करने आए और अपने जीवन को सफल और पुण्यात्मा बनाए। महाराज जी, लगभग कितने भक्त मंदिर परिसर में आते हैं सावन के सोमवारों में? श्रावण में तो भक्तों की वैसे संख्या का जो क्वांटिटी है लमसम 10 से 15 लाख आने की अपेक्षा है और आनी भी चाहिए और धर्म हमारे बढ़ना भी चाहिए आस्था में। ज़्यादा से ज़्यादा भारत और से किसी भी मंदिर में सनातन के व्यक्ति जो भी है वो जाने चाहिए और अपने धर्म को बढ़ाना चाहिए, किसी भी मंदिर में जाए अपने धर्म को जागृत करे और आस्था की ओर बढ़े। मंदिर समिति की तरफ से कुछ सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां भी की जाती हैं क्या? बिल्कुल, मंदिर प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा करता है, आने वाले भक्तों को पानी पिलाता है, भोजन की व्यवस्था करता है, हर भक्तों को सुरक्षित रूप से दर्शन कराने की जिम्मेदारी लेता है। इस बार जल का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है तो ये गंगा किनारे क्या व्यवस्थाएं रखी जाएंगी? इस बार अभी देखिए ये तो एक आपातकालीन विषय है, गंगा माता बहुत ही जल्दी आ गई है इस बार, लेकिन हम लोग बहुत प्रयास करेंगे कि सुरक्षित से सुरक्षित रूप से लोगों को दर्शन कराए और लोगों को ये एक निवेदन भी करेंगे कि अपने घर से अगर आराम से आते हैं तो मंदिर में पेशेंस बनाए रखें जिससे भीड़ भड़ाका न हो और आराम से दर्शन करके लोग घर पर पहुँचे। ये हमारे साथ मौजूद थे कानपुर परमठ मंदिर के महंत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी श्रद्धालु कानपुर के मंदिरों में जाएंगे उनकी व्यवस्थाएं कानपुर प्रशासन कर रहा है और परमठ मंदिर में मंदिर परिसर की तरह से भी कई तैयारियां की जा रही हैं। कानपुर से केनूर से शुभम मिश्रा की तरफ।